अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सरदार मुराद इम्तियाज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिजिटल कंप्यूटर को डिस्कस किया था, उसी के साथ हम लोगों ने एनालॉग कंप्यूटर डिस्कस किया, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड नाम से जाहिर है, यानी कि कम्बिनेशन। किस चीज़ का कम्बिनेशन? हाइब्रिड कंप्यूटर को हम लोग कुछ क्यों डिफाइन करते हैं? दी कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का जो कम्बिनेशन है वो मिलकर क्या बनाते हैं जी? हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की जो खसूसियात हैं, दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लेते हैं, और हमारे पास जो कंप्यूटर बनता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों के सिग्नल्स को इस्तेमाल करें, कि दोनों सिग्नल्स पे काम करें, वो हमारे पास होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास वो होते हैं जिनमें हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स का भी इस्तेमाल हो और एनालॉग सिग्नल्स का भी इस्तेमाल हो। जैसा कि आप दोनों के कम्बिनेशन की हम लोगों ने बात की, तो हमारे डिजिटल कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। इसलिए हम डिजिटल की एक्यूरेसी लें और हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड लें, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है। तो इन दोनों की दो खसूसियात लें, करेक्टरिस्टिक लें, तो हमारे पास एक हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है स्पीड में फास्ट कंप्यूटर होता है और एक्यूरेसी के लिहाज से भी बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसको आप लोग यूं भी डिफाइन करते हैं, द कंप्यूटर विच वर्क्स ऑन डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि जो दोनों के सिग्नल्स पे काम करे। इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो आपके पास एसीजी मशीन्स जो होती हैं वो भी एज अ हाइब्रिड कंप्यूटर काम करती हैं। इसी तरह हमारे पास जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो डिजिटल की होती है और जो हमारे पास स्पीड होती है वो एनालॉग कंप्यूटर की होती है। तो दोनों की करेक्टरिस्टिक को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। इसी के साथ साथ सैटेलाइट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, सैटेलाइट्स वगैरह के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी एज अ हाइब्रिड कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं।